इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख। तूफानी बर्फबारी के बीच 13,855 फीट की ऊंचाई को चंद दिनों में किया फतेह। 5 दिन 6 रातों में तय किया हजारों फीट का सफर, फतेह करने में आई कई चुनौतियाँ। हिमालय के चोटी के फतेह करने का सपना तो बहुत से लोग देखते हैं, लेकिन चंद लोग ही इस सपने को पूरा कर पाते हैं। और इन्हीं चंद लोगों में शामिल है नैनपुर से अंकित नामदेव। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के नैनपुर नगर में वार्ड क्रमांक 1 में रहने वाले युवा अंकित नामदेव ने भारत घूमने का अपना लक्ष्य बनाया है, जिसके पहले पायदान पर हिमालय की चोटी की फतेह करना पहला लक्ष्य रखा और इसी लक्ष्य को 5 दिन 6 रातों में लगातार तूफानी बर्फबारी के बीच 13,855 फीट की ऊंचाई पर विशालकाय पर्वत पर 5 डिग्री सेल्सियस के तापमान को चुनौती देते हुए सार पास ट्रैक पहुंचकर भारत माता के शान में तिरंगा झंडा लहराया। इस जज्बे को पूरा करने का अपने आप में चुनौती है। वहीं -5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तूफानी बर्फबारी के बीच कई चुनौतियों का सामना किया और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आसमानी तूफानी बर्फबारी को चुनौती देते हुए चंद दिनों में अपना लक्ष्य पूरा कर मध्य प्रदेश एवं जिला मंडला का नाम रोशन किया। इंडियन टीवी न्यूज से जयप्रकाश सोनी की रिपोर्ट। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।